हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान, ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये पूरा मैराथन वीडियो होने वाला है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका टाइम कम समय में ये आपका पूरा रिवाइज हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सी आपके सामने आता है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये आपको बताना है। शिक्षा नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें सी आएगा, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षण सिद्धांतों को व्यवहारिक मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया? जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट, वाइगोत्स्की, स्किनर या अरस्तु, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा इसको विकास किया गया। क्वेश्चन है, शिक्षा के सर्वांगीण विकास का साधन माना है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, वैलेंटाइन ने, या क्रो ने। सही आंसर इसका भी आएगा, महात्मा गांधी ने। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? एरिस्टोटल, प्लेटो, पेम्पोनाजी या क्रो वा क्रो, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पेम्पोनाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा में मनोविज्ञान के योगदान किसमें निहित है? ज्ञान समाज समाज की आवश्यकता पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाज को संरक्षित करने में, अध्ययन के सफल विधियों को पहचान करने में, अध्यापन कला का वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए। सही आंसर इसका सी आएगा, अध्ययन को सफल विधियों की पहचान करने में। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने में संबंधित है। किसकी परिभाषा है? बुंड, स्किनर, क्रो बक्रो या कालसैनिक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, स्किनर की परिभाषा है। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। बच्चों या छात्रों का समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में लागू करना, स्कूल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना, स्कूल के नियम कानून को अच्छे से लागू करना, इसमें से कोई एक। सही आंसर है, बच्चों या छात्रों को समझना। शैक्षणिक मनोविज्ञान का, एक शिक्षक के लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ है बच्चों या छात्रों को समझना। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, ध्यान रखेंगे यहाँ पूछा नहीं है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया, बालकों को विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की, बालकों के रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाया, इसमें से कोई एक। सही आंसर होगा ए, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया। तो यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, तो यहाँ शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं है, व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा बल देता है। यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक पक्ष पर बल देता, न कि सैद्धांतिक पक्ष पर। क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, श्रम को समझ सके, पशुओं का पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो सही आंसर डी आएगा, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? फिर से क्वेश्चन पूछा गया, नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह एक आदर्श विज्ञान है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान, ये गलत है, ये आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, ये मूर्त विज्ञान है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है और यह घनिष्ठता से शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि एक बच्चे के खाली स्थान में परिवर्तन लाता है, ये आपको बताना है, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में। सही आंसर इसका डी आएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन, एडवर्ड थर्नडाइक, अरस्तु या विलियम जेम्स, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका बी आएगा,
एडवर्ड थर्नडाइक। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या सुकुरात ने? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, रूसो से ही माना जाता है शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को ही जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों का तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? यह आपको बताना है, बुंड, स्किनर, क्रो बक्रो या काल्सनिक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, यह स्किनर की परिभाषा है। काल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? प्लेटो से, अरस्तु ने, अरस्तु से, रूसो से या सुकरात से? इसमें से कोई एक। सही आंसर प्लेटो से। काल्सनिक जो है प्लेटो से मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग रूसो से मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन का, अधिगम का या उपरोक्त सभी का? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, यह आपको बताना है, बालक, पाठशाला, खेल का मैदान या शिक्षक? सही आंसर ए आएगा, बालक होता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कप्पू स्वामी या श्री अरविंद? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, कप्पू स्वामी ने यह कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, आदर्शात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति क्या होगी? ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति रखती है। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? ये आपको बताना है, एरिस्टोटल, एडम्स, पॉम्पनोलॉजी या क्रो बाक्रो? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसको द्विध्रुवी बताया है एडम्स ने। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन है? जॉन डेवी, वाइगोत्स्की, स्किनर या अरस्तु? इसमें से कोई एक। सही आंसर त्रिध्रुवी बोले तो जॉन डेवी आएगा, दो ध्रुवी बोले तो एडम्स आएगा, त्रिध्रुवी आया तो जॉन डेवी आया। शिक्षा के तीन ध्रुव में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या पाठशाला? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पाठशाला शामिल नहीं है। तीन ध्रुव में है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम, ये तीन ध्रुव होते हैं। पाठशाला इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल के प्रारंभ करने वाले थे, ये आपको बताना है, फ्रोवेल, महात्मा गांधी, वैलेंटाइन, क्रो व क्रो? सही आंसर इसका ए आएगा, फ्रोवेल थे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? सही आंसर डी आएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। कथन है, बुंड का, स्किनर का, क्रोबा क्रो का या काल्सेनिक का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, यह स्किनर का कथन है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन नहीं है? फिर ध्यान देंगे, सही कथन नहीं है पूछा है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान के निष्कर्ष और सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षण शैक्षिक परिस्थिति के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें नहीं है, तो बी आ जाएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो केवल शिक्षण से संबंधित, केवल शिक्षण से बस ये संबंधित नहीं है, बाकी इसके अंतर्गत बहुत कुछ आते हैं। विद्यार्थियों का विकास आ जाता है, शिक्षकों का विकास आ जाता है, शाला का विकास, संपूर्ण विकास इसमें आता है, ना केवल शिक्षण से केवल संबंधित नहीं है, तो यही वाला इसमें नहीं होगा। शिक्षण सिद्धांतों को व्यावहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया? हर्बर्ट, स्किनर, क्रो बक्रो या फ्रायड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हर्बर्ट द्वारा इसका विकास किया गया।
क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसमें आपको बताना है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। इसमें से बताना है सही आंसर डी, ये सर्वांगीण विकास में सहायक है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, या व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध कुल व्यक्ति के सामाजिक प्रक्रियाओं से, या शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है? तो यही सही आंसर है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है, इसको आपको बताना है। अध्यापक एक अनुदेश के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यू रचना के रूप में, परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर भी आएगा, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। यहाँ पर इसका शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र अधिगमकर्ता जो है एक व्यक्ति के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारात्मक विज्ञान। तो ये धनात्मक विज्ञान भी है और व्यवहारात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान ये नहीं है। तो एक और तीन अर्थात सी, 31 का जो आंसर आपका सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हमको छाटना है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल गलत है, या ये बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पहला वाला सत्य हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ये आपको बताना है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर इसका ए आएगा, अंतर्दर्शन, अपने आप को दर्शन, ये शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल है? भावनात्मक, संज्ञात्मक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है शुद्ध विज्ञान, एप्लाइड साइंस, साइंस मानक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान एक एप्लाइड साइंस, साइंस अर्थात व्यावहारिक विज्ञान है। क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। सही आंसर इसका डी आएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष क्या माना जाता है? 1900, 1920, 1940, 1947। इसमें से बताना है, सही आंसर ए आएगा, 1900 माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट निश्चित स्वरूप कब धारण किया? अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर 1920 आ जाएगा। स्पष्ट स्वरूप अगर पूछता है इसमें तो 1920 आ जाएगा, और शिक्षक उत्पत्ति माना जाता है 1900 से माना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा? स्किनर, क्रो बक्रो, जेम्स टेबर या एलिस क्रो। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर यह है, क्रो बक्रो की परिभाषा है। शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध खालिस्थान के अध्ययन से है। शिक्षा दर्शन, शैक्षिक शिक्षा, मानव शिक्षा या शिक्षण विधियां। इसमें से कोई एक सही आंसर इसका सी आएगा, मानव शिक्षा के साथ इसका संबंध है। क्वेश्चन हमारे सामने, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है, स्किनर ने, पावलोक ने, थर्नडाइक ने या कोहल वर्ग ने। इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर बी आएगा, ये पावलोक ने इसको प्रतिपादित किया, सीखने का क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत बोले तो पावलोक का आएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कार्य नहीं है, ऐसी तकनीकों की खोज करना जिसके माध्यम से शैक्षिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षा को प्रयास करना है, सीखने के प्रक्रिया को बेहतर समझ को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी को बेहतर समझ को बढ़ावा देना। ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें कार्य नहीं पूछा तो इसमें भी आंसर आ जाएगा, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षा को प्रयास करना है। शिक्षा को प्रयास करना इनका मेन काम नहीं होता शैक्षणिक मनोविज्ञान का। ऐसी तकनीकों की खोज करना जिसके माध्यम से शैक्षिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकते, ये इसका लक्ष्य है। सीखने के प्रक्रिया को बेहतर समझ को बढ़ाना ये भी लक्ष्य है, शिक्षार्थियों को बेहतर समझ को बढ़ाना ये भी लक्ष्य है, लेकिन ये नहीं है कि उन लक्ष्यों को परिभाषित करना, परिभाषा जिनके लिए शिक्षा का प्रयास करना है तो उन लक्ष्यों को परिभाषित करना इसका काम नहीं है। तो बी वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चंस है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? गेल्टन, कर्ट लेविन, बुंट या वाटसन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, विलहम बुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। शिक्षा के लिए सामान्य तरीकों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, व्यवस्थित अवलोकन विधि, प्रत्यक्ष प्रयोग विधि, वैज्ञानिक विधि या समाजशास्त्री विधि। इसमें से आपको आएगा सही आंसर इसका ए आता है, व्यवस्थित अवलोकन विधि को इसमें अपनाया जाता है। शिक्षा को मनुष्यों के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर एवं अपूर्ण है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? ये आपको बताना है। डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या जे कृष्ण मूर्ति? इसमें से कोई एक सही आंसर ये आएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है बालक का विशेष योग्यता का अध्ययन, बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी, तो ये सारे चीज में इसमें अध्ययन किए जाते हैं। तो 46 का आंसर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, मापन एवं मूल्यांकन, सीखने संबंधित परिस्थितियां। देखने से भी लग रहा है कि लाइन बार ये सारे के सारे इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वो चीज ऑप्शन देखना होगा जिसमें सब समाहित है। तो 47 का जो ऑप्शन इसका डी आता है, 1, 2, 3, 4, 5 सभी इसके अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, कथन का संबंध है, ये आपको बताना है। ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, पील महोदय, थर्नडाइक, पावलोव या स्किनर? इसमें से कोई एक सही आंसर इसका जो आएगा वो ए आएगा, पील महोदय का है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये पील महोदय कहते हैं। डिस्लेक्सिया क्या संबंध है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, आंकिक अक्षमता, तार्किक अक्षमता? तो डिस्लेक्सिया का सही अर्थ हो जाएगा आंकिक अक्षमता, यहाँ पर आता है। अंक से संबंधित उनको ज्ञान में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके? तो सही आंसर आपको उचित वातावरण पैदा करना होगा, सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करना होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड? इसमें से आपको छांटना है। तो सभी दिख रहा है, कुशल मुख्याध्यापक होना चाहिए, स्कूल का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, आदर्श अध्यापक होना चाहिए, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था भी होना चाहिए, तो ये सभी ये आ जाएंगे। क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण हैं, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान, उपरोक्त सभी? तो इसमें भी जो आंसर आपका डी ही आएगा, सब लग रहा है कि लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के माध्यम से 10-11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन किसका है? सिरल बर्ट,
टर्मन, टेलर या मॉरिंटस, इसमें से आपको बताना है यह वास्तव में किसका है। सही आंसर ये आएगा, सिरिल वर्ड का है यह कथन। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। ये तो कॉमन क्वेश्चन से आपको एक आदर्शात्मक उत्तर चुनना है, तो उससे बातचीत करेंगे ये सबसे अच्छा आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, एनसीएफ 2005, एनसीई 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा एक एवं कक्षा दो के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, लिखित परीक्षण द्वारा, मौखिक परीक्षण द्वारा, लिखित एवं मौखिक या परीक्षण के आधार पर, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर आएगा। सही आंसर डी आएगा, परीक्षण के आधार पर। क्वेश्चन है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखना, सांस्कृतिक हस्तांतरण में सहायता करना, सांस्कृतिक परिष्करण, उपरोक्त सभी देखने से लग जाएगा आपको। डी आंसर, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, ये आपको बताना है, रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से या मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो यहाँ पर सही आंसर, अगर भावनात्मक बुद्धि वाला ऊंचा है, बुद्धि लब्धि उसका ऊंचा है, तो इसका मतलब है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, इनका अंकन शीघ्रता से, सुगमता से किया जा सकता है, ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा नहीं है। अगर इस प्रकार देखा जाए तो, अगर 59 का मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ, तो ये भी सही है कि इनका अंकन शीघ्रतम सुगमता से किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अगर कर रहे हो आप, ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा इसमें, और वस्तुनिष्ठता कारण अधिक विश्वसनीय एम वैध होंगे, मतलब आंसर बी आ जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य होता है, बताना होगा, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति का नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी, देखते से ही बन जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है, धर्म, शिक्षा, संस्कार, जाति, आप बिना देखे लगा सकते हो, शिक्षा, शिक्षा ही जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावी कारक रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, ये सभी, तो ये भी आप आंसर आपको सामने से नजर आ रहा है कि ये सभी आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। तो सही आंसर अगर लगाने की कोशिश करें तो इसमें केवल डी आएगा, केवल सीखने की योग्यता होगा, होना चाहिए, ऑटोमेटिक वो सब सीख जाएगा। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक या अरस्तु, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, अभी तक रट गया होगा, फ्रोबेल है, खेल शिक्षा विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल है। क्वेश्चन से, सृजन बाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है और शिक्षा व्यवहारवादी होता है, इसमें से बताना है। सही आंसर सृजन बाद होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर का अनुरूप पढ़ाए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर दिख रहा है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो उसका संवेगात्मक विकास तेजी से हो जाएगा।
क्वेश्चंस है, बच्चे में अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण सहायता मिल सके, महापुरुषों के जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो 67 का आंसर सी आएगा, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, क्योंकि जितना पढ़ने में उत्सुक नहीं होगा आसपास का माहौल से वो ज्यादा उत्सुक होगा, ज्यादा सीख पाएगा। शिक्षक को ही अपना अच्छा चरित्र का होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, ये तो हो नहीं सकते, लेटेस्ट है, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आजाद? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर सी आएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक साफ नजर आ रहा, यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। क्वेश्चन से बेसिक शिक्षा है तो महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? नृत्य कला, हस्तकला, पुस्तकला और संगीत कला? सही आंसर बी आएगा, ये हस्तकला पर ज्यादा बल देते थे। मूल्यांकन से अभिप्राय, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों को बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना? सही आंसर सी आएगा, छात्रों के अधिगम, अधिगम माने होता है सीखने, सीखने की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन का अभिप्राय है। क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों को सृजनात्मक उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि? तो भाई अरुचि तो पैदा नहीं करेगा, रुचि पैदा करेगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही होगा। 1 2 3, मतलब 1 2 3 कहाँ पर है, 1 2 3 ए, 72, 72 का आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन से कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित? सही आंसर आप लग जाएगा, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल के, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी या थर्नडाइक? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर सी आएगा, ये पेस्टोलॉजी का है कि निम्न से कौन सा विचार, कौन सा शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी, सृजनवादी, संरचनावादी या मानवतावादी? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर डी आएगा, ये मानवतावादी उपागम वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे अच्छा उपागम है। क्वेश्चन से परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति या समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर इसका जो आएगा 76 का सी आएगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित होना चाहिए। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों का मत सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, सीखने में समृद्ध संसाधन? अगर बहुभाषी है तो विद्यार्थी बहुत अच्छे सीख सकता है, तो सीखने के समृद्ध संसाधन, यहां पर डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन से यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ना जारी रखेंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे? सही आंसर तो डी ही आएगा, कि भाई हम कारण जानने की कोशिश करेंगे क्यों वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निष्पत्ति लब्धि जो IQ होता है ये आपको बताना, सूत्र आपको बताना है, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इन 100। यही वास्तव में सही है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। इससे मानसिक आयु इसकी कितनी है, वास्तविक आयु बटे करके 100 से भाग देने पर उसका IQ निकल जाता, बुद्धि लब्धि निकल जाता है। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे
इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं का पहचान का सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने में कौशल विकसित कर पाएंगे। इसमें से आपको बताना है सही आंसर ये आएगा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या ये पहचान कर सुधार करने का कौशल को विकसित कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विद्यालय कभी ना अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु माने क्या प्रयास हो रहे हैं। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। सही आंसर भी आएगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है टर्नर एम ओडम द्वारा, कैरल और मार्टिन्स द्वारा, आर डब्ल्यू टेलर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, आर डब्ल्यू टेलर द्वारा। यहाँ पर सही जोड़ा आपको बनाना है और यहाँ पर सही एक तत्व का सिद्धांत, अगर एक तत्व का सिद्धांत देखे तो बीने ने दिया था, बहु तत्व का सिद्धांत देखे तो थर्नडाइक ने दिया था, समूह तत्व का सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने दिया था, और त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने दिया था। इस प्रकार 83 का हमको आंसर डी मिल जाता है, यहाँ पर डी आ जाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन, निम्न से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में आती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर शैक्षणिक पिछड़ापन ये आएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की बात किया जाए तो उस क्षेत्र में, उस शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में शैक्षणिक पिछड़ापन आएगा। शिक्षकों का अनुपस्थित को लेना देना नहीं है, विद्यालय बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा गिरता स्तर, ये वास्तव में शैक्षणिक पिछड़ापन, जो पिछड़ापन है इसी को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियों को आयोजित करना, ये अंक या गेट ग्रेड प्रदान करना। सही आंसर भी आएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, पुरस्कार या प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करना, साफ नजर आ रहा यही पाला आ जाएगा, यही नहीं करना चाहिए। ये बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान ये सब तो करेगा लेकिन प्रतिद्वंदिता नहीं पैदा कर सकता। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बच्चों को सीखने सिखाने के प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, उनकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं। सही आंसर भी आएगा, कार्य करते समय सतत रूप से उनको दी जानी चाहिए, कहाँ गड़बड़ है और कहाँ पर वो सही कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, शास्त्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को वाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र की प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं का लचीलापन, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है। तो ए आएगा, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। क्वेश्चन है, बच्चों को भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, भाषाई कौशल के विकास के लिए गतिविधियों को आयोजित की जानी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना सुनने का अभ्यास करना चाहिए। तीनों चीज तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप बना सकोगे, उपरोक्त सभी यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष के कराई जा रही गतिविधियों का अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। पहला असमी आपको नजर आ रहा है, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप वो होनी चाहिए। भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय या केरल विश्वविद्यालय? इनमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, कोरल, सॉरी कोलकाता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आनंद और रुचि के साथ कठिन अध्ययन और अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक जुड़ाव, स्वस्थ समायोजन, व्यवहारिक जुड़ाव या भावनात्मक जुड़ाव? इसमें से बताना है, सही आंसर डी आएगा, उसको भावनात्मक जुड़ाव कहा जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति सीखने वाले बच्चों पर कोई आगे नहीं है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति सीखने वाले बच्चों को सीखने हेतु लेंगे? तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, तेज गति सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति वाले बच्चों से सीखने हेतु लेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो, बात करने वाले को दंडित करे, उदासीन हो, जो सोचता है कि बातचीत के सीखने के संसाधन को उपयोग किया जा सकता है, यही सबसे अच्छा तरीका है। बातचीत करने का आदि तत्व उनको ज्ञानवर्धक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन से, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? दुर्खी, किलपैट्रिक, प्लेटो या सुकरात? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर भी आएगा, प्रयोजन विधि के जो प्रतिपादक है वो है प्लेटो। क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण बिंदु है, उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज, अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर इसका ए आएगा, उद्देश्य होना चाहिए, अधिगम अनुभव होना चाहिए, मूल्यांकन के उपकरण होना चाहिए, ये तीन तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन पूर्ण या मैत्रीपूर्ण? तो ये शोरगुल भरा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें से शांत, अनुशासन पूर्ण और मैत्रीपूर्ण सबको छटने को दिया जाए तो डी आएगा, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, चाहे छात्र छात्र में हो या छात्र शिक्षक में हो। क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपको बताना है, औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यवसायिक या अनुदेशन? नहीं, इसमें से आपका कोई आएगा, सही आंसर कठोर शिल्प उपागम इंजीनियरिंग पर आधारित है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी सामान्य बालक दे दो, उसे मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं? वॉटसन, किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी या थर्नडाइक? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर ए आएगा, वॉटसन ने यह कहा था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, शिक्षकों को प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक बार जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए, किसका कथन है? वॉटसन का, किलपैट्रिक का, मारिया मोंटेसरी का या थर्न डाइक का? सही आंसर इसका सी आएगा, ये मारिया मोंटेसरी का कथन है, ये शिक्षकों का प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक बार जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यहाँ पर जिसका प्रयोगात्मक विज्ञान मनोविज्ञान ज्ञान है तो पढ़ाना वो अच्छी तरह सीख जाएगा, मारिया मोंटेसरी ये कहती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।